हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। यूजुअली अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का आएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। रीडिंग लगा लेते हैं पहले। व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड रिगार्डिंग रिजर्वेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019। 103वां अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। रिजर्वेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न है, उसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो इसके अंदर है क्या रिजर्वेशन, मैं बता देता हूँ। 103वां जो अमेंडमेंट हुआ है प्रोविज़न के अंदर, तो ये अमेंडमेंट है कि जो रिजर्वेशन पहले जो बैकवर्ड कास्ट को जो मिलता था, सेम जो रिजर्वेशन है अब सेवर्ण जाति है जो अदर देन बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए भी है। जो आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जिनकी फाइनेंशियल इनकम एक स्लैब बना रखी है कि उस फैमिली की इनकम अगर एनुअल इनकम कुछ प्रिस्क्राइब्ड जो इनकम उससे अगर कम होती है तो उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो अदर देन बैकवर्ड क्लास है और जिसकी इनकम कम है उनको इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो इन केस अगर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप अगर इस टाइप से आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थ्रू दिस अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट 103वां जो अमेंडमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, 2019 में आया था ये अमेंडमेंट। थ्रू दिस अमेंडमेंट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ द टोटल सीट्स। जितनी सीट्स है वैकेंसी जो आती है, जो सीट्स अवेलेबल होती है उसकी 10% है वो रिजर्वेशन है। किसके लिए? फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो सवर्ण जाति के हैं, उन लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। जितनी टोटल वैकेंसी होगी उसका 10% उसको रिजर्वेशन मिलना डिसाइड हुआ है। तो ये अमेंडमेंट था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 103वां अमेंडमेंट था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी सोशली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवल बैकवर्ड क्लास को है उसी को रिजर्वेशन था अभी तक, लेकिन 2019 में ये चेंज करके जो सिस्टम है, ये सेवर्ण जाति जो अदर देन बैकवर्ड क्लास है उनको भी, जो आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन है उनको भी इसका बेनिफिट दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।